This conference will now be recorded. अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? खैरियत से हैं? ठीक है। मैं ऑनलाइन ही होता हूँ, अवेलेबल, बट आई जस्ट वेट फॉर द पीपल टू अराइव। चूंकि जब तक कोई 15-16 लोग आ ना जाएं क्लास स्टार्ट करने का, फिर जो जो लोग आते हैं इट डेफिनेटली अफेक्ट्स। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स सो दैट आई वेट फॉर अदर्स। ओके जनाब अली, कल हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, एंड दैट वाज परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी। और उससे भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड दैट इज परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स। हाँ जी, नवीद पूछें क्वेश्चन, प्लीज पूछें। चले एंड पूछ लीजिएगा, कोई मसला नहीं, लेट्स लेट्स डिस्कस इट इन द एंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सवाल पेपर में मल्टीपल टाइम्स आ चुका है, कम से कम 3 दफा तो आ चुका है ये वाला क्वेश्चन पेपर में। एक दफा ये वाला क्वेश्चन जो है ये सितंबर 2015 में आया था। शॉर्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट दी गई थी और परसेप्चुअल प्रॉब्लम पूछी थी। फिर इस क्वेश्चन को ये एजाज हासिल है कि ये क्वेश्चन एक ही अटेम्प्ट में दो डिफरेंट तरह पूछा गया था। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा पूरी किताब में आज तक कभी किसी टॉपिक के साथ नहीं हुआ कि एक सवाल या एक टॉपिक एग्जाम में दो तरह पूछे एग्जामिनर, या दो मुख्तलिफ दफा पूछे एग्जामिनर, बट दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड ट्वाइस इन द पेपर। ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट ए है ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, 7 का जो क्वेश्चन नंबर 7 था ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन था, एंड देन दिस क्वेश्चन रिसेंटली अपेयर्ड, अभी भी ये सवाल आया था सितंबर 2019 में। सो बेसिकली इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, होता यह है कि जब आप लोगों से मिलते हैं, जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, जब आप इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं अपनी 5 सेंसेस से, सो द एन एरर मे अकर व्हाइल यू रिसीव द इंफॉर्मेशन एंड मेक अ परसेप्शन और जजमेंट अबाउट द पर्सन। ठीक है ना? आप जब किसी से कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं या जब आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं, तो यह एन मुमकिन है कि आपकी किसी इंसान के मुतालिक जो परसेप्शन है या उसके मुतालिक जो आपकी राय है वो किसी एरर का शिकार हो जाए, क्योंकि परसेप्शन हर इंसान की मुख्तलिफ होती है ना, एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट परसेप्शन, और आपकी जो परसेप्शन है ये बहुत हद तक डिपेंड करती है आपके बिलीफ सिस्टम पे, आपकी वैल्यूज पे, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस पे, आपके कल्चर पे। तो हो सकता है कि हकीकत कुछ और हो और आप उसे डिफरेंटली परसीव करें, इसे परसेप्चुअल प्रॉब्लम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं डू नॉट जज अ बुक बाय द कवर, एक फ्रेज है ना, किताब को कभी भी उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए, और नेवर जंप टू कंक्लूजंस, कभी भी कंक्लूजन पे इंस्टेंटली जंप नहीं करना चाहिए। दे आर वेरी कॉमन फ्रेजेस विच यू एनकाउंटर इन लाइफ। दीज फ्रेजेस डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेयर आवर परसेप्शन इज ड्रॉन ऑन एन इनकरेक्ट जजमेंट, ठीक है, जिसे हम बायस कहते हैं, जिसे हम परसेप्चुअल बायस कहते हैं। नॉर्मली 5 किस्म के बायसेस पाए जाते हैं, 5 किस्म के बायसेस पाए जाते हैं। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बड़ा फ्रीक्वेंटली आता है इसमें से, सिचुएशन हाँ, लेकिन ये कोशिश करते हैं आप खत का मजमून भांपने की लफाफा देख के, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आप वो जो भांपे हैं वो गलत हो, ठीक है ना, वो जो भांप जो आप भांप रहे हैं वो गलत हो, ठीक है। एग्जैक्टली, आई एम जस्ट लाइबल टू फॉर वॉट आई सेड एंड नॉट फॉर वॉट यू अंडरस्टैंड। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग उसकी परसेप्शन है, उसकी वो क्या परसीव कर रहा है ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, और हो सकता है कि वो गलत परसीव कर रहा हो, ठीक है ना। यस, तो ये भी परसेप्चुअल एरर ही होता है कि आप कुछ और कहते हैं और वो कुछ और समझता है, ठीक है। स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है? ये स्टीरियोटाइपिंग का पहला सेंटेंस काट दें, ये पहला सेंटेंस जो है ये इसका नहीं है, स्टीरियोटाइपिंग जो है ये स्टार्ट हो रही है। दूसरा जुमला भी काट दें बेशक, इस पे हम आगे बात करेंगे, ठीक, यहां से स्टार्ट करें स्टीरियोटाइपिंग को, यहां से। दिस इज हाउ वी डिफाइन स्टीरियोटाइपिंग।
बिल्कुल होता है फर्स्ट इंप्रेशन माहम बेटा, बिल्कुल होता है, लेकिन अगेन चांसेस आर देयर कि वो फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो गलत हो। जैसे अभी मैं हेलो इफेक्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप फॉर एग्जांपल एक इंटरव्यू कर रहे हैं एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, यू आर अ मार्केटिंग डायरेक्टर ऑफ अ फर्म, आप एक फर्म के एमडी हैं, मार्केटिंग डायरेक्टर हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और आप इंटरव्यू कर रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन के लिए, मार्केटिंग मैनेजर के लिए। अच्छा, जैसे ही कैंडिडेट कमरे में दाखिल होता है इंटरव्यू देने के लिए, ही इज नॉट प्रॉपरली ड्रेस्ड अप, उसने ड्रेसिंग को अच्छी नहीं की थी, और आप उसे देखते ही ये अंदाजा लगा लेते हैं कि इसको कुछ नहीं आता। नाउ दैट इज फर्स्ट इंप्रेशन विच माइट बी रॉन्ग। हो सकता है कि उसने ड्रेसिंग अच्छी ना की हो, लेकिन वो बड़ा काबिल हो, एंड मुमकिन है कि उसके पास स्किल हो, नॉलेज उसके पास अच्छा हो, और ये भी मुमकिन है कि कोई और कैंडिडेट आता है कमरे में, उसने ड्रेसिंग तो बहुत अच्छी की है लेकिन उसे आता कुछ नहीं है। तो फर्स्ट इंप्रेशन कैन बी रॉन्ग, गलत हो सकता है। स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है? स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं व्हेन वी जज समवन ऑन द बेसिस ऑफ वंस परसेप्शन ऑफ द ग्रुप टू विच द पर्सन बिलोंग्स। आप किसी इंसान को जज करते हैं अपनी उस परसेप्शन की बेस पे जो उस ग्रुप के मुतालिक आपने डेवलप की हुई है, जिस ग्रुप से वो बंदा बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कॉमनली बिलीव करते हैं ना कि शेख कंजूस होते हैं, ठीक है ना? वी कॉमनली हैव अ परसेप्शन के शेख जो है वो कंजूस होते हैं। तो अगर आपका कोई दोस्त शेख है और आप उसके मुताबिक ये राय कायम कर लें कि चूंकि सारे शेख कंजूस होते हैं तो ये भी कंजूस होगा, इसे कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग, इसे कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, स्विस वॉचेस आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। स्विस वॉचेस बड़ी अच्छी क्वालिटी की होती हैं। अगर आप स्विस कोई घड़ी घर से लेने गए हैं, तो आप स्विस वॉच ही खरीदेंगे बिकॉज यू बिलीव के स्विस वॉचेज आर ऑफ गुड क्वालिटी। यस, पुलिस वाले जो हैं वो ब्राइबरी में एंगेज होते हैं, तो अगर आपका टाकरा किसी पुलिस वाले से हुआ है तो आप ये समझ रहे हैं कि ये भी जो है वो ब्राइब होगा, दैट इज स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है? तो स्टीरियोटाइपिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी एक इंसान को जज करते हैं बेस्ड ऑन द परसेप्शन यू हैव ऑफ द ग्रुप टू विच द पर्सन बिलोंग्स। वो इंसान किस ग्रुप से बिलोंग करता है, उस ग्रुप की क्या परसेप्शन है, उसकी बेस पर आप किसी को जज कर रहे होते हैं। आवर स्टीरियोटिपिकल परसेप्शन इज बेस्ड ऑन कल्चर, रिलीजियन, पॉलिटिकल ग्रुप्स, एज वेल एज एज, जेंडर, फिजिक, एथनिसिटी, रेस, जात पात, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो हमारे हमारी स्टीरियोटाइपिंग की अंडरस्टैंडिंग को शेप करते हैं। स्टीरियोटाइपिंग इज नॉट ऑलवेज अ नेगेटिव ट्रेड, ऑब्वियसली बाज दफा स्टीरियोटाइपिंग सही भी होती है, और बाज दफा स्टीरियोटाइपिंग की वजह से आप जल्दी डिसीजन मेकिंग भी करने के काबिल हो जाते हैं। इट इट हेल्प यू मेक क्विक डिसीजंस। स्टीरियोटाइपिंग इज नॉट ऑलवेज रॉन्ग, हमेशा गलत नहीं होती। एट टाइम इट हेल्प अस टू सिंप्लीफाई अ कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड एंड मेक डिसीजंस क्विकली। फॉर एग्जाम्पल, हम जनरली बिलीव करते हैं कि चाइनीज मेड प्रोडक्ट्स आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, चाइना के जो प्रोडक्ट हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। अच्छा, आपने कोई परचेजिंग करनी है, आप मार्केट गए हैं परचेज करने, तो आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सिंपल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा कि नाउ यू विल यू नो डायरेक्टली परचेज सम अदर प्रोडक्ट एंड नॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स। तो आपने अपनी स्टीरियोटाइपिंग को थोड़ा सा यूज किया अपने कॉम्प्लेक्स डिसीजन को, लेकिन ये सिर्फ तब मुमकिन है, ये सिर्फ तब मुमकिन है जब स्टीरियोटाइपिंग एक्यूरेट हो। प्रॉब्लम विल अराइज व्हेन स्टीरियोटाइपिंग इज गोइंग टू बी इनएक्यूरेट। अगर स्टीरियोटाइपिंग इनएक्यूरेट होगी तो प्रॉब्लम पैदा होगी, अदरवाइज प्रॉब्लम पैदा नहीं होगी। सो इन प्रैक्टिस इफ पीपल एक्सपेक्ट टू एनकाउंटर स्टीरियोटाइप्स, व्हाट दे विल परसीव वेदर और नॉट दे आर एक्यूरेट। इन प्रैक्टिस लोग हमेशा स्टीरियोटाइपिंग की बुनियाद पे परसीव करने की कोशिश करते हैं वेदर और नॉट वो एक्यूरेट है या नहीं एक्यूरेट। ये इंसानी फितरत है कि हम हमेशा अपनी स्टीरियोटिपिकल अंडरस्टैंडिंग की बेस पे परसीव करते हैं, जो हमने स्टीरियोटाइपिंग डेवलप की होती है हम उसी की बेस पे परसीव करते हैं। तो ये पहला एरर है जिसे कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग, वेयर आर जजमेंट अबाउट समवन इज स्क्यूड बाय आवर परसेप्शन ऑफ द ग्रुप टू विच द पर्सन बिलोंग्स। वो बंदा जिस ग्रुप से बिलोंग करता है, हमारी जो परसेप्शन है उस ग्रुप के मुताबिक, वो हमारी उस इंसान की परसेप्शन को ये स्टीरियोटाइपिंग जो है, यस दिस इज समहाउ अ लॉजिकल वे
टू बिल्ड परसेप्शन। 2 मिनट दीजिएगा, ये अजान हो रही है प्लीज। ओके देखिए स्टीरियो, अपना पहले हाफिजा उर्वा का जवाब देता हूँ बेटा। उर्वा बेटा, स्टीरियोटाइपिंग जो है ना, ये बेसिकली सोशल नॉर्म्स की बेस पे ही बिल्ड होती है। ऑब्वियस सी बात है, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं यही स्टीरियोटिपिकल अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करते हैं ना, ठीक है। एंड विद स्टीरियोटाइपिंग इज समथिंग विच यू एक्सपीरियंस ओवर एंड ओवर अगेन एंड दैट यू नो मेक इट स्ट्रॉन्गर इन योर माइंड। लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग अगर हो तो फिर तो परसेप्चुअल एरर का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना, ठीक है। लॉजिकल परसेप्शन हो तो फिर तो परसेप्चुअल एरर का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो स्टीरियोटाइपिंग होती है, ठीक है। वेल हाँ, इसमें स्टीरियोटाइपिंग क्या है, इसमें स्टीरियोटाइपिंग ये है कि बड़े हमेशा सही होते हैं। दिस इज स्टीरियोटाइपिंग के बड़े हमेशा सही होते हैं या सही कहते हैं, ये है स्टीरियोटाइपिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। That is stereotyping. Okay, halo effect क्या होता है? Halo effect कहते हैं when ये पहला paragraph काट दें, इसका कोई तुक नहीं है, ये फजूल में डाला हुआ बीच में। यहां से start करें halo effect को second paragraph से, just skip the first paragraph. Halo effect describes when someone exactly, कभी वो भी बच्चे थे, बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक विशियस साइकिल है ना, ये दिस इज अ विशियस साइकिल जो चलता रहता है। हेलो इफेक्ट डिस्क्राइब व्हेन समवन ड्रॉज अ जनरल इंप्रेशन अबाउट एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन इधर अ सिंगल और अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। आप जब किसी के मुतालिक कोई राय कायम करते हैं, ठीक है, इधर बेस्ड ऑन अ सिंगल और अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको हम हेलो इफेक्ट कहते हैं। जैसे मैंने भी एग्जाम्पल दी वो इंटरव्यू वाली, इंटरव्यू ही जो है वो इंटरव्यू देने आया है, और जैसे ही वो इंटरव्यू देने आया आपने देखा कि उसने ड्रेसिंग अच्छी नहीं की हुई, तो आपने फौरन कहा कि नहीं सर कुछ नहीं आता, ठीक है ना। इट मींस दैट इज हेलो इफेक्ट, इसे हेलो इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। हेलो इफेक्ट की आपकी बुक में दो एग्जाम्पल देता है। पहली एग्जाम्पल, सीनियर मैनेजर, एक मैनेजर जो है वो इंप्लॉई को सिर्फ इसलिए प्रमोट कर देता है कि उसने कोई आउटस्टैंडिंग टेक्निकल इन्वेंशन की है, ठीक है।
आपने एक मैनेजर, आपने एक टेक्नीशियन को, एक एम्प्लॉई को सिर्फ इसलिए प्रमोट कर दिया कि ही हैज गिवन सम यू नो वेरी गुड टेक्निकल इन्वेंशन, लेकिन ये एन मुमकिन है कि वो बंदा टेक्नीशियन तो बहुत अच्छा है, ही माइट बी अ वेरी गुड टेक्नीशियन बट ही इज अ पुअर मैनेजर. ठीक है, सो कोर टेक्निकल स्किल इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया दैट मेक हिम अ गुड मैनेजर. ठीक है, हेलो इफेक्ट की एक और एग्जांपल है, जब आप स्टाफ अप्रेजल्स कर रहे होते हैं, जब आप स्टाफ को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, एक सुपरवाइजर जो है उसने अपनी सारी जजमेंट को बायस कर दिया एक एम्प्लॉय की टाइम कीपिंग के ऊपर. यानी अगर एक एम्प्लॉय पंक्चुअल है तो आपने कहा ये बहुत अच्छा बंदा है, इसे सैलरी भी बढ़ा दो, इसे प्रमोट भी कर दो. हालांकि हो सकता है कि द पर्सन, द एम्प्लॉय विद द वर्स्ट टाइम कीपिंग इज द मोस्ट प्रोडक्टिव वन एंड द मोस्ट इफेक्टिव वन. ये मुमकिन है कि जिस एम्प्लॉय की टाइम कीपिंग वर्स्ट रही हो उसने सबसे अच्छा काम किया हो, लेकिन जस्ट बिकॉज आपने देखा कि टाइम कीपिंग एक एम्प्लॉय की अच्छी थी, आपने जनाबी अली उसको जो है वो प्रमोट कर दिया, यू सिंपली प्रमोटेड दैट पर्सन. ठीक है ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरर है, इसे हेलो इफेक्ट कहते हैं. जस्ट बेस्ड ऑन अ सिंगल क्राइटेरिया, अ सिंगल एट्रीब्यूट और अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, आप किसी की पूरी पर्सनालिटी जो है उसको आप इवैल्यूएट कर लेते हैं, दैट इज नोन एज हेलो इफेक्ट. ठीक है, हाँ, लाइक जस्ट, हाँ वही ना, किसी एक स्पेसिफिक ट्रेड की बेस पे, एग्जैक्टली, किसी एक करेक्टरिस्टिक की बेस पे. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा जो है वो ऊंचा बोलता है तो आप कहें बड़ा बदतमीज आदमी है. ठीक है, दैट इज, यू हैव गिवन अ रिमार्क ऑन जस्ट वन करेक्टरिस्टिक. सिलेक्टिव परसेप्शन, ये वही है जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया है, परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी, सेम वही कॉन्सेप्ट है. वी ओनली परसीव ऑन द बेसिस ऑफ आर इंटरेस्ट, आर एक्सपीरियंस, आवर एटीट्यूड, आवर बैकग्राउंड. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारी पब्लिक फिगर्स की जो प्रेफरेंस होती है, लाइक जब हम सेलिब्रिटीज को परसीव करते हैं तो हम अपने इंटरेस्ट और अपने परसेप्शन के मुताबिक सेलिब्रिटीज को परसीव करते हैं. ठीक है, वी परसीव देम एज सक्सेसफुल, अट्रैक्टिव एंड लाइकेबल. ठीक है, सो वी ऑल्सो सी देम एज इंटेलिजेंट, काइंड एंड फनी, जबकि हो सकता है कि रियलिटी में वो ऐसे ना हो. ठीक है, और जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक दफा उमर उमर शरीफ से मिलने का इत्तेफाक हुआ. उमर शरीफ इज अ वेरी रिनाउंड कॉमेडियन, पाकिस्तानी कॉमेडियन. ठीक है ना, आपने टीवी पे उमर शरीफ को नाम सुना होगा आपने, इज अ वेरी रिनाउंड पाकिस्तानी कॉमेडियन. अच्छा, उमर शरीफ जो है वो देखने में लगता है कि वो बड़ा जॉली आदमी है, और जिस तरह वो मतलब अपना मजाक करता है, जिस तरह वो आके यू नो एक फन क्रिएट करता है, बट इन रियल लाइफ इज अ वेरी सीरियस मैन. आई वाज रियली एस्टोनिश्ड टू मीट हिम, वो बहुत ही सीरियस आदमी है. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि टीवी पे इतना जॉली आदमी और रियल लाइफ में इतना सीरियस होगा. ठीक है, वो बिल्कुल एक अपसाइड डाउन पिक्चर है, लेकिन हमारी परसेप्शन है कि अगर एक बंदा जो है फॉर एग्जांपल वो टेलीविजन पे फनी है, जॉली है, तो वो शायद रियल लाइफ में भी ऐसा ही होगा. हालांकि ऐसा नहीं होता, इट्स नॉट द केस. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, इसे कहते हैं सिलेक्टिव परसेप्शन. ये हमने पहले भी टॉपिक डिस्कस किया था, परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी के अंदर हमने ये बात की थी, इसे कहते हैं सिलेक्टिव परसेप्शन. देन वी हैव कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट. वेल, यू हैव टू कंबाइन, देखें ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप ऑब्जेक्टिव रियलिटी को 100% परसीव कर सकें. आप ऑब्जेक्टिव रियलिटी को 100% परसीव नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आपके परसेप्चुअल एरर्स बीच में आ जाएंगे. हाँ, इट इज पॉसिबल कि यू ट्राई टू गेन मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, यू ट्राई टू गेट द हाइस्ट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, ताकि आपका वो जो एरर है वो कम से कम हो, ताकि आप उस एरर को कंट्रोल कर सकें. ठीक है ना, देन वी हैव कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट. कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट कहता है कि आप कंपैरिजन करते हैं, इंस्टेड ऑफ परसीविंग समवन ऑब्जेक्टिवली वी स्टार्ट कंपेयरिंग द पीपल विद ईच अदर. सो हमारी जो परसेप्शन है वो स्क्यू हो जाती है, बायस हो जाती है बाय कंपैरिजन विद अदर पीपल दैट वी रिसेंटली एनकाउंटर, हु इधर रैंक हायर और लोअर ऑन द सेम करेक्टरिस्टिक. फॉर एग्जाम्पल, आप इंटरव्यूज कर रहे हैं और एक एम्प्लॉई आया और उसने बड़ा आउटस्टैंडिंग इंटरव्यू दिया. अब जो अगला एम्प्लॉई आएगा इंटरव्यू देने के लिए, उसके लिए आपका जो क्राइटेरिया है वो सख्त हो जाएगा, क्योंकि पिछले वाले ने इंटरव्यू बहुत अच्छा दे दिया, तो आपका जो क्राइटेरिया है उसे इवेलुएट करने का, दैट इज गोइंग टू, हाँ, बेंचमार्क हाई हो जाएगा. यस, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ी हाई परफॉर्मिंग टीम है, एक हाई परफॉर्मिंग टीम के अंदर, जैसे कि मैं एक अच्छी एग्जाम्पल आपको कोट करके देता हूँ. ये पैराग्राफ यहाँ से पढ़ना जो है वो काफी ट्रिकी है, इसको समझने के लिए लेट्स लेट्स टेक एन एग्जाम्पल.
आप एक सेल्स मैनेजर हैं, यू आर अ सेल्स मैनेजर, लेट्स लेट्स टेक अ गुड एग्जांपल. मौसम वी कैन डिस्कस इट इन अ वाइल, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी जस्ट ब्रिंग अप अ ब्लैंक पेज. ओके, लेट्स से आप यू आर अ सेल्स मैनेजर, इन नेस्ले, ठीक है, यू हैव टू सेल्स टीम टू मैनेज, यू हैव गिवन अ सेल्स टारगेट ऑफ 1000 यूनिट्स. आपने 1000 यूनिट्स का सेल टारगेट दिया, ठीक है, टू बोथ टीम्स, और कट ऑफ लगाया आपने, कट ऑफ पॉइंट इज 80%, ठीक है, यानी 80% से नीचे आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे टारगेट, ठीक है. परफॉर्मेंस ऑफ द बोथ टीम्स, दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस क्या रही, दोनों टीम्स में चार चार मेंबर्स हैं, बोथ टीम्स हैव फोर मेंबर्स ईच, ठीक है, टीम ए एंड टीम बी Both have four members each. Okay. Members 1, 2, 3, and 4. Team A and Team B. ठीक है. टीम ए का जो पहला मेंबर है, फॉर एग्जांपल, ही मेट 95% टारगेट्स. टीम ए का जो दूसरा मेंबर है, ही मेट 90% टारगेट्स. थर्ड मेंबर मेट 100% टारगेट, एंड फोर्थ मेंबर मेट 80% टारगेट. फॉर एग्जांपल, टीम बी वाज अ पुअर परफॉर्मिंग टीम. द फर्स्ट मेंबर गेट 72% टारगेट, द नेक्स्ट गेट 70% टारगेट, द थर्ड वन गेट 69% टारगेट, एंड द फोर्थ वन गेट 75% टारगेट. अब आप जब इन दोनों टीम्स को इवेलुएट करेंगे, तो टीम ए को इवेलुएट कर, टीम ए जो है ये हाई परफॉर्मिंग टीम है ना, टीम ए इज हाई परफॉर्मिंग टीम, तो टीम ए को इवेलुएट करते हुए आपकी जो इवेलुएशन है वो फोर्थ मेंबर के लिए नेगेटिव हो जाएगी. यू विल इवेलुएट द फोर्थ मेंबर इन द नेगेटिव मैनर, हालांकि उसने कट ऑफ पॉइंट मीट किया है, ही हैज मेट द कट ऑफ पॉइंट, लेकिन वो बाकियों से नीचे है ना. इसे कहते हैं कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट, इसे कहते हैं कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट, दैट बिकॉज ही हैज performed poorer than the other members, क्योंकि उसने बाकी members से poor perform किया है, so even though he has meet the target,
बट ही वुड बी रैंक लो, ही हिज परफॉर्मेंस वुड बी एवरेज डाउन। ऑन द अदर हैंड, अगर आप टीम बी को देखें तो टीम बी के सारे मेंबर्स पुअर हैं, लेकिन चौथे मेंबर को इवेल्युएट करते हुए इसे आप बहुत अच्छा कहेंगे। यू विल से कि नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया, हालांकि इसकी परफॉर्मेंस भी कट ऑफ पॉइंट से नीचे है, लेकिन स्टिल ही हैज डन बेटर जॉब देन द रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स। तो इसकी परफॉर्मेंस को आप एवरेज अप कर देंगे, इसकी परफॉर्मेंस को टीम ए के चौथे मेंबर की परफॉर्मेंस को आप एवरेज डाउन कर देंगे, और टीम बी के चौथे मेंबर की परफॉर्मेंस को आप एवरेज अप कर देंगे। दिस इज हाउ वी बिकम विक्टिम ऑफ कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। तो कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट क्या होता है? मैनेजर में इन एडवर्टेंटली ना चाहते हुए एवरेज डाउन कर देगा, गिरा देगा ग्रेड्स फ्रॉम अ पर्टिकुलरली हाई परफॉर्मिंग टीम ड्यू टू एसोसिएटिंग द वीकेस्ट टीम मेंबर। जो वीकेस्ट टीम मेंबर है, जिसकी अभी हमने एग्जांपल ली है, उस वीकेस्ट टीम मेंबर की परफॉर्मेंस को बाकियों से कंपेयर करते हुए वो नीचे कर देगा। एंड कन्वर्सली, जब आप किसी वीक टीम को जज कर रहे होंगे तो आप एवरेज अप कर देंगे परफॉर्मेंस को, यू विल एवरेज अप द परफॉर्मेंस, ठीक है ना? जैसे इस केस में भी हमने देखा कि जब आप टीम ए के चौथे मेंबर को इवेल्युएट करेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस को आप एवरेज डाउन कर देंगे, और जब आप टीम बी के चौथे मेंबर को इवेल्युएट करेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस को आप एवरेज अप कर देंगे। दोनों केसेस में आप कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट का शिकार हो जाएंगे, ठीक है? तो ये एग्जाम्पल है, उसके अगेंस्ट ये टेबल जो है, ये इस पैराग्राफ को समझने में आपकी हेल्प कर सकता है। द लास्ट बायस इज नोन एज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्ट करने का मतलब होता है कि जो खूबियां हमारे अंदर होती हैं वो हम दूसरों में देखने की कोशिश करते हैं। अ पर्सन ट्राइज टू एट्रीब्यूट हिज ओन करेक्टरिस्टिक टू अदर पीपल रादर देन परसीविंग देम ऑब्जेक्टिवली। अगर आप पंक्चुअल हैं तो आप चाहेंगे कि दूसरे लोग भी पंक्चुअल हों, अगर आप मेहनती हैं तो आप चाहेंगे कि दूसरे लोग भी मेहनती हों, ठीक है ना? वैसे ना, इफ आई कैन डू इट यू कैन ऑल्सो डू इट, ये प्रोजेक्शन होती है, ठीक है? अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो, दैट इज प्रोजेक्शन। हालांकि हो सकता है कि आपका स्किल सेट और है, जैसे आप वो काम दे रहे हैं उसका स्किल सेट और है, ठीक है? अभी रिसेंटली सितंबर 19 में ये वाला सवाल आया था पेपर में, दिस क्वेश्चन अपेयर्ड इन सितंबर 19। लेट मी शो यू द क्वेश्चन। सितंबर 19 में ये 4 नंबर का सवाल था पेपर में। एग्जैक्टली, तो दिस क्वेश्चन अपेयर्ड इन ऑटम 19। दिस वॉज 4 मार्क्स क्वेश्चन। दो सिनेरियोज दिए जा रहे हैं, ये पढ़े जरा सिनेरियोज। माहद सज्जाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एम्प्लॉय ऑफ द ईयर ऑन अचीविंग हाईएस्ट सेल्स वॉल्यूम। जारा नूर सेल्स डायरेक्टर इज कंसिडरिंग प्रमोटिंग माहद टू मैनेजमेंट पोजिशन। शी बिलीव दैट गिवन माहद लास्ट ईयर अचीवमेंट ही कुड मैनेज लार्ज सेल्स टीम। हाँ जी, कौन सा एरर है ये कौन सा बायस है? दिस इज उसकी सेल्स वॉल्यूम की बेस के ऊपर कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। हाउ? इसमें कंपैरिजन कहां पे आ रहा है यार? इसमें कंपैरिजन किसे किसके साथ कर रहे हैं आप? सिर्फ उसकी सेल्स वॉल्यूम की बेस को अचीव करने पे आप उसे प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है? यू आर जस्ट प्रमोटिंग द पर्सन बिकॉज ही हैज अचीव्ड हायर सेल्स वॉल्यूम। सो दैट इज हेलो इफेक्ट, दैट इज हेलो इफेक्ट ना। एक एट्रीब्यूट की बेस पे, जस्ट बिकॉज है ही हैज अचीव्ड हाईएस्ट सेल्स वॉल्यूम, यू बिलीव दैट ही कुड मैनेज अ लार्ज सेल्स टीम। यस, ये हेलो इफेक्ट है, ठीक है? आप किसी एक एट्रीब्यूट की बुनियाद पे किसी को इवेल्युएट कर रहे हैं और उसे प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, ये पढ़ें। जिमल खान, जिमल खान इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू सिलेक्ट कैंडिडेट फॉर द पोजिशन ऑफ फाइनेंस मैनेजर। He acknowledges that some candidates are qualified for the position. However, he views that these candidates lack charismatic personality that previous finance manager had. पिछले फाइनेंस मैनेजर के पास बड़ी charismatic personality थी, जो नए लोग आ रहे हैं, ये कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट है। शाबाश, दिस इज कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। कंपेरिजन कर रहे हैं ना बाप? आपने कंपेरिजन करके अपना ग्राफ हाई सेट कर लिया कि जो पिछला फाइनेंस मैनेजर था, the previous finance manager, he was not, he had a very charismatic personality, ठीक है? तो ये contrast effect है। 4 नंबर का सवाल है, 2 नंबर perceptual problem identify करने के और 2 नंबर explain करने के, ठीक है? 2 नंबर जो है वो explain करने। इससे पहले ये question आया था सितंबर 2016 में, autumn 16 में। autumn 16 का question देखें, आपको scenarios दिए जा रहे हैं
और कहा जा रहा है, अच्छा ये ऑटोनॉम 16 में सवाल दो दफा आया था, एक ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए था, एट टाइम इवन हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड नॉलेजेबल इंडिविजुअल मेक परसेप्चुअल एरर्स इन असेसमेंट ऑफ अदर पीपल, लिस्ट फोर रीजंस व्हिच इन योर ओपिनियन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परसेप्चुअल एरर्स। ये 4 नंबर का पार्ट है, ये अलग क्वेश्चन है, और फिर नीचे 5 नंबर का एक अलग क्वेश्चन है। ऐसा आज तक कभी किसी पेपर में किसी टॉपिक के साथ नहीं हुआ कि एग्जामिनर ने एक टॉपिक को ही दो मुख्तलिफ तरीकों से पेपर में पूछ लिया। अगेन दिस इज आई कैप, आई कैप कुछ भी कर सकता है, आई कैप चाहे तो एक टॉपिक के ऊपर पूरा पेपर आपका बना सकता है, आई कैप कैन डू एनीथिंग, आई कैप कैन डू वंडर्स। ठीक है, तो आपके सामने एग्जाम्पल है कि आई कैप ने एक सवाल से दो टॉपिक, दो क्वेश्चन निकाल लिए एक टॉपिक में से। मैनेजमेंट ऑफ एवरशाइन एंटरप्राइज कंसिडर्स वेल ड्रेस्ड एम्प्लॉइज टू बी हाईली इंटेलिजेंट एंड दे आर रेटेड फेवरेबली फॉर रैपिड प्रमोशन, वेदर दोज एम्प्लॉई हु डू नॉट केयर मच अबाउट देयर ड्रेसिंग आर इग्नोर्ड फॉर करियर एडवांसमेंट। हाँ जी, कौन सा एरर है, कौन सा बायस है? सिर्फ ड्रेसिंग की बेस के ऊपर आप प्रमोशन का डिसीजन ले रहे हैं ना, यू आर टेकिंग डिसीजन टू प्रमोट द एम्प्लॉई जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हिज ड्रेसिंग, सो विच एरर इज दिस? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, हेलो इफेक्ट, दिस इज हेलो इफेक्ट। यस, अमंग्स द लार्ज ग्रुप ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर अ स्टूडेंट ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस टू बी रेटेड इन टॉप 10 परसेंटाइल, बट इन अ रिलेटिवली लेस इंटेलिजेंट ग्रुप अ स्टूडेंट विद एवरेज इंटेलिजेंस इज मोर लाइकली टू बी कंसिडर्ड एज बीइंग एन आउटस्टैंडिंग कैलिबर। ये क्या है जी, बी सेकेंड वन क्या है? सेकेंड वन इज नो आंसर येट। सेकेंड वन इज कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट, राइट। नहीं, आपके मैसेज देर से आ रहे मेरी विंडो पे। चलें थर्ड वन देखें, एन इंडिविजुअल हु इज अपराइट एंड ऑनेस्ट इन पर्सनल डीलिंग विद अदर्स वांट अदर्स टू बी अपराइट एंड ऑनेस्ट इन देयर आउटलुक एंड इंटरेक्शन। एक बंदा जो अपराइट है और ऑनेस्ट है वो चाहता है कि बाकी भी अपराइट हो और ऑनेस्ट हो। प्रोजेक्शन, शाबाश। Swiss watches are acknowledged to be of greater accuracy and durability as compared to watches made in other countries. You believe के Swiss watches अच्छी होती हैं? तो ये क्या है? This is stereotyping, शाबाश। An individual watching a TV talk show readily accept opinion of participant that fits in his viewpoint and tend to distort and reject those which his opinion are trivial or incorrect. ये क्या है जी, दिस इज सिलेक्टिव परसेप्शन। यस, अपनी इंटरेस्ट की, अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन लेंगे, बाकी इंफॉर्मेशन को आप डिस्कार्ड कर देंगे, तो दैट इज सिलेक्टिव परसेप्शन। आसान क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दो, और इससे पहले ये क्वेश्चन आया था सितंबर 2015 में, सितंबर 15 की अटेम्प्ट थी, आई गेस, इफ आई हैव दैट पेपर ओपन। ओपन नहीं है तो ओपन कर लेते हैं। सितंबर 2015 में भी आया था वो, उसमें सिर्फ दो स्टेटमेंट थी और उसमें पूछा गया था, दैट वाज वेरी बेसिक क्वेश्चन। खैर वो भी जब तक ये खुलता है, लेट्स लेट्स मूव अहेड। सो ये परसेप्शन का टॉपिक हमारा यहाँ पे कवर हो जाता है, हियर वी कंक्लूड परसेप्शन। ये आगे एग्जांपल में उसने इन्हीं सारे के सारे एरर्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। इसमें एक और एरर भी एक्सप्लेन कर रहा है, प्राइमेसी इफेक्ट। ये सिर्फ पढ़ लें, वो ये ऊपर डिस्कशन में नहीं है, सिर्फ यहाँ एग्जाम्पल में मौजूद है। प्राइमेसी इफेक्ट, प्राइमेसी का मतलब होता है अर्लियर इन्फॉर्मेशन की बेस पर डिसीजन ले लेना, इन्फॉर्मेशन सर्च ना करना। आप गाड़ी लेने गए हैं और पहले शोरूम पे जाके आपने गाड़ी देखी, आपको पसंद आ गई और आपने परचेज कर ली, इट इज पॉसिबल कि किसी और शोरूम पे आपको बेहतर गाड़ी मिल जाती, लेकिन आप प्राइमेसी इफेक्ट का शिकार हो गए। तो प्राइमेसी इफेक्ट कहते हैं रेडिली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन की बेस पर डिसीजन ले लेना, ठीक है। ये ऊपर एक्सप्लेन नहीं किया गया, सिर्फ एग्जाम्पल में है, बाकी सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं। परसेप्शन से निकलते हैं एटीट्यूड।
एटीट्यूड को हम डिफाइन करते हैं आवर बिलीफ एंड फीलिंग्स रिगार्डिंग स्पेसिफिक सिचुएशन आइडियाज और अदर इंडिविजुअल्स। किसी इंसान के मुताबिक हमारी फीलिंग और हमारे बिलीफ्स क्या हैं, ये हमारा एटीट्यूड कहलाता है। सो एटीट्यूड बेसिकली इज अ टेंडेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल टू फील एंड बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर अबाउट एनी ऑब्जेक्ट एनी सिचुएशन। किसी भी चीज की तरफ आपकी जो फीलिंग है और आपकी टेंडेंसी टू बिहेव है, ये एटीट्यूड से निकलती है। सो एटीट्यूड इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट दैट डिफाइन योर फीलिंग्स रिगार्डिंग अ सर्टन सिचुएशन आइडिया पीपल एनीथिंग। ठीक है ना, एटीट्यूड्स आर सब्जेक्टिव बिकॉज परसेप्शंस आर सब्जेक्टिव। मैंने आपको वो ड्रॉ करके दिखाया था कि एटीट्यूड से परसेप्शन से एटीट्यूड निकलती है और एटीट्यूड से आपके बिहेवियर्स निकलते हैं। सो एटीट्यूड सब्जेक्टिव होते हैं क्योंकि आपकी परसेप्शन सब्जेक्टिव होती है। सो दे आर डिपेंडेंट ऑन परसेप्शन, दे आर डिपेंडेंट ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस द इंफॉर्मेशन एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अदर पीपल। ठीक है ना, सो एटीट्यूड जो है ये आपके एक्सपीरियंशियल होते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एटीट्यूड के कंपोनेंट्स, ये सवाल दो दफा आ चुका है पेपर में। एटीट्यूड के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? एक दफा ये क्वेश्चन आया था मार्च 2015 में और एक दफा ये सवाल आया था सितंबर 2018 में। ठीक है, छह छह नंबर का सवाल आया था। कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है कॉग्निटिव कंपोनेंट, दूसरा होता है अफेक्टिव कंपोनेंट और तीसरा होता है बिहेवियोरल कंपोनेंट। यहाँ पे ये कंपोनेंट्स पहले वर्ड ऐड कर लें, बिहेवियोरल कंपोनेंट। एटीट्यूड के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, अफेक्टिव कंपोनेंट, कॉग्निटिव कंपोनेंट, अफेक्टिव एंड बिहेवियोरल कंपोनेंट। एटीट्यूड इज व्हाट इज डेवलप्ड थ्रू आवर एक्सपीरियंस इन डेली लाइफ। आपका जो एटीट्यूड होता है ये आपके डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस से बिल्ड होता है। बेसिकली आप अपनी जिंदगी में जो डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस करते हैं वो चीज आपका एटीट्यूड डेवलप करती है, दैट बिल्ड्स योर एटीट्यूड। ठीक है, कॉग्निट देखें, सब आप सबसे पहले इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, आपका बिलीफ सिस्टम और आपकी परसेप्शन जो है वो ट्रिगर हो जाती है। जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने इर्द गिर्द की यू नो एनवायरमेंट से लेते हैं, ये आपके थॉट प्रोसेस में आती है, आपकी परसेप्शन को शेप करती है। फॉर एग्जाम्पल, एटीट्यूड के तीनों कॉम्पोनेंट समझने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप टीवी पे नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग नेट जियो, और टीवी पे आपने देखा कि एक शेर ने हिरन का शिकार किया और हिरन को चीर फाड़ करके उसने खा लिया। तो आपका अब वो जो इंफॉर्मेशन आप रिसीव कर रहे हैं टेलीविजन से, वो आपके कॉग्निटिव कंपोनेंट को हिट कर रही है और आपकी परसेप्शन और आपका बिलीफ बिल्ड हो रहा है कि शेर एक खतरनाक जानवर है, लॉयन इज अ डेंजरस क्रिएचर। ये कॉग्निटिव कंपोनेंट बिल्ड हो गया। अब इस कॉग्निटिव कंपोनेंट की बेस के ऊपर अब आपकी फीलिंग डेवलप होगी। अब इस बिलीफ और इस परसेप्शन के ऊपर अब आप एक नेगेटिव फीलिंग डेवलप कर लेंगे, मुझे शेर पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक लॉयंस। ठीक है, और आई एम अफ्रेड ऑफ लॉयंस, मुझे शेर से डर लगता है। डर लगना, नापसंद होना, ये फीलिंग है ना, दैट्स अ फीलिंग। ठीक है, और इसकी बेस पे आपका बिहेवियरल कंपोनेंट ट्रिगर होगा, आपका टेंडेंसी टू बिहेव ट्रिगर होगी। आप उसी वक्त ये तहैया कर लेंगे कि जैसे ही कभी मेरे सामने शेर आएगा मैं भाग जाऊंगा, आई विल रन अवे। वो और बात है कि शेर आपको हिलने नहीं देगा, लेकिन स्टिल आपने ये टेंडेंसी टू बिहेव डेवलप कर ली कि जैसे ही मेरे सामने कभी शेर आएगा तो मैंने दौड़ लगा देनी। किसी तैयब बेटा, परसेप्शन इज जस्ट अ जजमेंट। आप ये कह सकते हैं कि एटीट्यूड का जो पहला कॉम्पोनेंट है ये परसेप्शन है। द फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ एटीट्यूड इज परसेप्शन, विच इज योर बिलीफ अबाउट समथिंग, और उसकी बेस पे जो आप फीलिंग डेवलप करेंगे और उसकी बेस पे जो आप बिहेवियरल रिस्पॉन्स प्लान करेंगे, दैट इज योर एटीट्यूड। ठीक है, तो दो दोस्त होते हैं ना, जंगल में जा रहे होते हैं, तो सामने से शेर आ जाता है, तो वो एक दोस्त जो होता है वो फौरन बैठ के अपने जूते के लेसेस बांधने शुरू कर देता है। तो वो दूसरा दोस्त कहता है उसे डर के कि आर यू मैड, डू यू थिंक यू कैन रन फास्टर देन अ लायन, तुम शेर से तेज भाग सकते हो बोला। तो वो कहते हैं शेर से तेज किसको भागना है, मुझे तो तुमसे तेज भागना है, बाकी शेर जाने और तुम जानो, आई जस्ट नीड टू रन फास्टर देन यू। ठीक, सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड दैट्स अ वेरी ब्रूटल रियलिटी ऑफ लाइफ एज वेल। इस मैसेज में, इस लतीफे में एक बड़ी हकीकत और कड़वी हकीकत छुपी हुई है, वो है फियर्स कॉम्पिटिशन इन लाइफ। आपका हर एक के साथ फियर्स कॉम्पिटिशन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, डार्विन की थ्योरी आ जाती है पूरी की पूरी इसके अंदर, के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, एनी हाउ, सो तीन कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है कॉग्निटिव कंपोनेंट, एन इंडिविजुअल कॉग्निशन
is constituted of the knowledge which you are receiving. For example, I believe crocodiles are dangerous or snakes are poisonous. ये belief है, ये आपकी perception है. ना 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 ना, attitude action नहीं होता, behavior जो निकलता है attitude से वो action होता है. Attitude, ये देखें, attitude का जो तीसरा component है वो behavior है basically. The third component of attitude is behavior. जो नजर आता है, attitude hidden होता है. एटीट्यूड आपका छुपा हुआ होता है और जो एटीट्यूड से बिहेवियर निकलता है वो नजर आता है. इससे आपकी फीलिंग डेवलप हो गई. अ पर्सन फीलिंग और इमोशंस में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव और इट में बी न्यूट्रल. इन सर्टन सिचुएशंस इंडिविजुअल में बी आस्क्ड टू शो पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर विच में बी डिफरेंट फ्रॉम देयर इननेट नेचुरल फीलिंग्स. बाज दफा आपके बिहेवियर आपकी फीलिंग से वेरी कर सकते हैं. आई एम स्केयर्ड ऑफ क्रोकोडाइल, ये आपकी फीलिंग है. आई एम स्केर्ड ऑफ क्रोकोडाइल वो, हाँ ये हम वैसे गलत टर्म इस्तेमाल करते हैं. एटीट्यूड नजर नहीं आता, वो बिहेवियर होता है. लेकिन वो चूंकि एटीट्यूड से निकल रहा होता है, वो चूंकि एटीट्यूड से निकल रहा तो हम इसलिए कहते हैं एटीट्यूड ना दिखाओ. ठीक है, यस, हर बिहेवियर के पीछे एटीट्यूड होता है, फीलिंग्स होती है. बिहेवियोरल इंटेंशन जो होती है आपकी, दैट इज वॉट यू आर इंटेंडेड टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर. देखिए, आपका जो बिहेवियर है ये आपके एटीट्यूड से निकलेगा. मैं वही कह रहा हूं ना कि ये एक फ्रेज बन गई हुई है. वो बिहेवियर है जो आपको दिखाते हैं. पीपल कैन नेवर शो दैट आपकी फीलिंग क्या है, नो वन नोज. पीपल ओनली नो योर बिहेवियर. लेकिन 90% ऑफ द टाइम्स योर बिहेवियर इज ड्रिवन बाय योर फीलिंग्स. अगर आपको एक बंदा नापसंद है तो अंडरस्टूड है कि आपका बिहेवियर भी अकॉर्डिंगली होगा ना. आप उसे अवॉइड करेंगे, उसे मिलेंगे नहीं, तो देखने वाला ये अंदाजा लगा लेगा ना कि आपको वो वाला बंदा पसंद नहीं है. लेकिन बाद में ऐसा भी होता है कि हमारे बिहेवियर्स और होते हैं और हमारा एटीट्यूड और होता है. फॉर एग्जाम्पल, अ सर्टन फैमिली मेंबर, यू 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 डू नॉट लाइक अ सर्टन फैमिली मेंबर. और कोई मेहमान आपके घर में आता है तो पेरेंट्स की वजह से आपको बड़ा मुस्कुरा के मिलना पड़ता है उनसे. ठीक है ना, दैट इज हाउ योर एटीट्यूड्स आर कॉन्ट्रडिक्टिंग विद योर बिहेवियर्स. तो ये एन मुमकिन है कि आपका, हाँ ये एग्जैक्टली. So behavioral intention is basically your tendency to behave or respond in a particular manner towards any object in a particular situation. Unlike the other two components, behavioral component is observed directly, नजर आता है. Behavioral component को आप देख सकते हैं. जैसे भी हमने example दी, crocodile एक खतरनाक creature है, ये cognitive component है. I don't like crocodiles, I am scared of crocodiles. ये अफेक्टिव कंपोनेंट है. आई विल अवॉइड अ क्रोकोडाइल एंड आई विल रन इफ आई विल सी वन. ये आपका बिहेवियोरल कंपोनेंट है. दैट्स योर बिहेवियोरल कंपोनेंट. सो कॉग्निटिव कंपोनेंट अफेक्टिव कंपोनेंट को डिफाइन करता है और दोनों के कलेक्शन से बिहेवियोरल कंपोनेंट निकलता है. कॉग्निटिव कंपोनेंट से अफेक्टिव कंपोनेंट ड्राइव होता है और दोनों के कॉम्बिनेशन से बिहेवियोरल कंपोनेंट निकलता है. मुझे शेर खतरनाक जानवर है, ये स्टेटमेंट देना ये कॉग्निटिव कंपोनेंट का आउटपुट है. मुझे शेर से डर लगता है, ये अफेक्टिव कंपोनेंट है. अगर कभी मेरा शेर के साथ आमना सामना हुआ तो मैंने फौरन भाग जाना है, ये मेरा बिहेवियोरल कंपोनेंट है. गेटिंग दिस? ओके. एटीट्यूड से बिहेवियर निकलते हैं. बिहेवियर दो किस्म के होते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर एंड इंस्ट्रूमेंटल. ये आखिरी टॉपिक है आज का, कंज्यूमर बिहेवियर एंड इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर. कंज्यूमर बिहेवियर वो होते हैं जो अफेक्टिव कंपोनेंट से ड्राइव होते हैं, दे आर ड्रिवन अफेक्टिवली. जैसे फॉर एग्जाम्पल, टीवी पे जो एड्स चलती हैं ये सारे कंज्यूमर बिहेवियर को टारगेट करती है ना, आपके इमोशंस को एंगेज करती हैं. ठीक है ना, दे आर एंगेजिंग योर इमोशंस. जैसे कोका कोला के एड में आपको फैमिली गैदरिंग दिखाते हैं, टुगेदरनेस दिखाते हैं, दैट इज अफेक्टिव कंपोनेंट. इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर जो है दैट इज ड्रिवन कॉग्निटिवली, इसके पीछे कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है. सो आपका जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो अफेक्टिव कंपोनेंट से ड्राइव होता है और जो आपका इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर है वो कॉग्निटिव कंपोनेंट से ड्राइव होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, when you are making decision in the workplace to maximize profit. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक आप सिचुएशन दरपेश है आपको, आपकी कंपनी लॉस में जा रही है और अब आपको इंप्लॉइज को रिडंडेंट करना है. ठीक है, अब अगर
तो आप बड़े एम्पथी शो करें। आपको पता है कि बेचारे आपके जो दो तीन एम्प्लॉयज हैं उनके घर का चूल्हा बंद हो जाएगा और आप लॉस बेयर करते रहें लेकिन उनको नौकरी से ना निकालें, तो ये आपका बिहेवियर जो है ये अफेक्टिवली ड्रिवन है। नहीं, आप सीरियस हैं अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स के लिए और आप चारों ना चार आप एम्प्लॉयज को फारिग कर देते हैं रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उनके जज्बात पे क्या गुजरेगी। ये आपका इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर, दैट इज योर इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर, कॉल इट। इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर के पीछे रैशनल होता है, लॉजिक होती है, कॉग्निशन होती है, और कंज्यूमर बिहेवियर के पीछे अफेक्टिव कॉम्पोनेंट होता है। मंडे को हम इंशाल्लाह कॉम्पोनेंट मार्केटिंग की एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह काम करते हैं। हम टाइप पढ़ेंगे एटीट्यूड की और हम क्रॉस कल्चरल वेरिएशन पढ़ेंगे। मंडे को हम इंशाल्लाह एटीट्यूड का टॉपिक वाइंड अप करेंगे, ट्यूसडे को हम जॉब सेटिस्फेक्शन स्टार्ट करेंगे, होपफुली वेंसडे या थर्सडे को हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। जी जी नवीर, 11th चैप्टर का सवाल था आपका, प्लीज पूछो। यू हैड टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम 11th चैप्टर। हाँ नहीं, ये आपकी अब किताब से निकल गया है, ये अब टॉपिक है ही नहीं किताब में, तो इसको भूल जाए। डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम, अपॉर्चुनिस्टिक सिस्टम, ये तीन सिस्टम अडेप्टेशन थी। ये क्वेश्चन आप काट दें, ये अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं रहा। पिछले स्टडी टेक्स्ट में और इस स्टडी टेक्स्ट के अंदर कुछ टॉपिक मैंने आपको बताया था कि ट्रंकेट हुए हैं, ठीक है ना? तो ये पहले होता था, अब नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट दैट क्वेश्चन। दैट्स नाइस कि आपने सवाल पे गौर किया, दैट्स वेरी गुड ऑफ यू, एंड दैट इंडिकेट्स कि आप पढ़ मेहनत से पढ़ रहे हैं। बट अब ये वाला टॉपिक चूंकि निकल चुका है पास पेपर में से, अपना आपकी किताब में से, तो अब ये पास पेपर में भी इरेलेवेंट हो गया। ओके, जस्ट इग्नोर दैट क्वेश्चन, ठीक है जी? चलें जी, मंडे को इंशाल्लाह मिलते हैं, विल कंटिन्यू ऑन मंडे। खुश रहें, हैव अ नाइस वीकेंड, अल्लाह हाफिज।